तो कोहली के नाम को लेकर आप कैसे नई स्ट्रेटजी कंगारू ने अपनाई है, इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे और एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा होंगे, साथ ही साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ रहें, लेकिन उससे पहले चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है, यूं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज शुरू होने में थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन बयानों का खेल पहले ही शुरू हो चुका है। कंगारू टीम लगातार ऐसे ऐसे दांव चल रही है कि इस बार तो कप्तान टिम पेन ने विराट पर ऐसा निशाना साध दिया कि उनका पूरा प्लान लीक हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर चल तो रही है, ऑस्ट्रेलियाई टीम का ये पुराना पैतरा रहा है, लेकिन अब असर कैसे होगा ये जानने के लिए एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा का मैं रुख कर लेती हूँ, उसके बाद विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी से भी मैं पूछूंगी, साथ ही इस बीच रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन राजीव, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, कंगारुओं की ये पुरानी स्ट्रेटेजी रही है और उसी स्ट्रेटेजी पर फिर से काम कर रहे हैं, मनोबल को हिट करेंगे तो आधा हार वैसे ही मिल जाएगी, यही स्ट्रेटेजी है, लेकिन इंडियन टीम किस तरीके से तैयार है? देखिए रचना, कोरोना वैक्सीन, कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन की मुहिम चल रही है वो वैक्सीन तो मिल जाएगी लग रहा है, लेकिन कंगारुओं की ये पुरानी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा चुका है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बीमारी है कि कोई भी टीम ट्रैवल करती है ऑस्ट्रेलिया और उस जो टीम ट्रैवल कर रही है उसके ओपोनेंट जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं या कैप्टन को टारगेट करना, ये अभी सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं है रचना। आप बहुत पहले जाएं, जब से क्रिकेट हम लोग देख रहे हैं, पहले सुनील गावस्कर को टारगेट किया गया, फिर कपिल देव को टारगेट किया जाता था जब वो जाते थे, फिर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये तमाम वो बड़े नाम है जिनका इम्पैक्ट पड़ता है और वो अकेले दम पे ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे ढकेले में माहिर माने जाते थे तब, और इसीलिए वो टारगेट इसीलिए करते हैं कि आपका जो ध्यान है वो उस दौरे पे जो आपका जीतने का एम ले गए हैं वो वहां से उसका ध्यान हटा दे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सबके सामने एक तरह से ओपन हो चुकी है। अब उसके बारे में बार बार टिम पेन का ये कहना है कि विराट कोहली को पसंद नहीं करते हैं, बल्लेबाजी देखना उनकी पसंद करते हैं, ये हर कोई जानता है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह का रन बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है उससे डरना और उनको टारगेट करना बहुत स्वाभाविक सी बात नजर आती है रचना। और क्योंकि लग रहा है कि मैदान पर पूरा दम भी लगा देंगे तो भी टीम इंडिया का मुकाबला कर नहीं पाएंगे, इसीलिए ये अलग तरीके की स्ट्रेटेजी जो कि पुरानी परंपरा रही है कंगारुओं की। लेकिन चूंकि विराट कोहली को हम दूर से जानते हैं, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, करीब से जानते भी हैं, समझते भी हैं, राजकुमार जी आपको लगता है कि विराट पर ऐसे कमेंट्स का कुछ असर होता होगा और विराट कोहली जैसी पर्सनैलिटी इन्हें टैकल कैसे करती है? देखिए रचना, विराट एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है, जब भी ऑस्ट्रेलिया या कोई टफ टीम हो उसके अगेंस्ट उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन में बिलीव करता है कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ एक अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए, और साथ साथ अगर उनको कोई थोड़ा सा छेड़ता है तो वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो मजबूत हो जाते हैं दिमाग कि नहीं मुझे प्रूव करना है, कि इन्हें गलत प्रूव करना है, और ये एक अच्छी बात है कि वो इसका जवाब वो अपने बल्ले से देते हैं। जब वो शुरुआत की थी उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट की या वनडे क्रिकेट की तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, कई बार वो रिएक्ट भी करते थे, लेकिन अब वो बहुत सोबर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और ही नोज कि हाउ टू यू नो गिव इट बैक टू द अपोजिशन, और इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस उनसे सबसे ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो विराट ने आज तक रिकॉर्ड्स हैं वो आज तक किसी भारतीय खिलाड़ी के नहीं है, तो बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा है और ऑस्ट्रेलिया में उनके फैन भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टिम पेन थोड़ा सा उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं, माइंड गेम्स ऑस्ट्रेलियंस की खेलने की आदत है, जैसे कि राजीव ने अभी कहा कि वो शुरुआत से ही ऐसा करते आए हैं, एक स्ट्रेटेजी के तहत वो ऐसा करते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें अपने गोल से, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन विराट कोहली के अब तक के प्रदर्शन और टीम इंडिया का जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है उसके बाद क्या रितेंद्र, ऐसा लगता है कि मुसीबत मोल ले ली है कंगारुओं ने, ये इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं या हम कह सकते हैं कि पोक कर रहे हैं, उसका खामियाजा ही भुगतेंगे? uh,
हाँ जी रचना, एक दौर ऐसा निकला है जब सचिन तेंदुलकर का कहर होता था तो प्रतिद्वंदी टीमों को कहा जाता था, उनके बोलर्स को मीटिंग में कहा जाता था कि आप सुबह मैच में तेंदुलकर को कुछ बोलना मत, उनसे पंगा मत लेना, अगर आप बोलेंगे, कोई गाली गलोच करेंगे, स्लेजिंग करेंगे, तो वो और फोकस्ड और डिटर्मेंट हो जाते हैं, तो 100-200 रन तो वो बनाएंगे ही। तो कुछ ऐसा ही अब विराट कोहली उस मोड में चले गए हैं, अगर आप उनसे पंगा लेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये टिम पेन है कौन, तो मुझे लगता है आपको अपना कद देख के किसी प्लेयर के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। बट ऑल सेड एंड डन, अगर और टिप्पणियां ऐसी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएंगी तो विराट कोहली ने अगर 200 बनाने हैं तो हो सकता है वो 400 बना दे वहां पे। लेकिन रितेंद्र, ऐसा लग रहा है क्या कि ऊपर ऊपर तो यहाँ पोक करने की कोशिश कंगारू कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम डरी बैठी है, वो जानती है कि विराट का बल्ला चलेगा तो फिर अच्छे अच्छे खामोश हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा रचना, आपका बल्ला और आपकी बॉल बोलती है। इंडियन टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, हाल में लड़की आईपीएल खेले हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अंदर जानती है अब वो स्ट्रेंथ वाली टीम नहीं है, ट्रांजिशन मोड से निकली है। जब वॉन, मैकग्रॉ, स्लेटर, रिकी पॉन्टिंग का जमाना होता था इस टीम में दम था, लेकिन अब भारत के साथ टक्कर लेना आसान नहीं है, तो प्रेशर पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पे है और वो जानती है अगर अपने घर में हारती है तो क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया में होगा। तो जी हाँ, इंडिया के पास एडवांटेज है। और विराट कोहली के जो फैंस वहां ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वो जब विराट कोहली के समर्थन में नारेबाजी वहां पर करेंगे, उन्हें चेयर अप करेंगे, वो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम को और ज्यादा चुभने वाला है और इसी की तैयारी अभी से हो रही है। लेकिन राजीव, सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है, अब पूरी तरह से प्रैक्टिस पर फोकस रहेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में आ रहा है मौजूदा स्थिति में क्या कुछ स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत है? इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है रचना, कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं और आपका अपनी टीम में क्या कुछ कद है। अगर आप ऑस्ट्रेलियाई टीम में कद देखें, टिम पेन का जो ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कैप्टन है, उनकी जगह वैसे भी नहीं बनती है अगर आप टीम में देखें, और पिछले 15-20 सालों में सबसे कमजोर कैप्टन के तौर पे मैं उनको देखता हूँ, टिम पेन को, जहां पे उनको इसलिए कैप्टन बनाया गया कि एक कैप्टन चाहिए आपको टीम लीड करने के लिए। स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया, डेविड वॉर्नर की अपनी इशूज हैं, तो कुछ टीम ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे टिम पेन कैप्टन है और पैट कमिंस वाइस कैप्टन है। तो ऐसी टीम के कैप्टन अगर आके एक ऐसे सेटल कैप्टन के बारे में बोल रहे हैं जिनका ट्रैक बहुत शानदार रिकॉर्ड है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और कोई बड़ी बात नहीं टेस्ट चैंपियनशिप भारतीय टीम अपने नाम करे, और पिछला दौरा लग रहा है टिम पेन भूल गए हैं जब भारतीय टीम ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके, हालांकि तब डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहे थे, शायद उनके टीम में आने से उनके जबान ज्यादा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन भी इतना दम है कि वो विराट से आंख में आंख मिला के बात भी कर सके मैदान पर। कद कैसा है इसके लिए राजकुमार जी का रुख कर लेती हूँ। राजकुमार जी, राजीव बता रहे हैं कि टिम पेन की तो औकात ही ऐसी नहीं कि वो इस तरह की बयानबाजी तो दूर बोले भी, उनका उनकी टीम में भी क्या परफॉर्मेंस रहा है ये पूरी टीम बेहतर तरीके से जानती है, लेकिन उसके ठीक उलट इधर विराट कोहली को देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान है, दुनिया भर में फैंस हैं, क्या विराट कोहली के नाम पर इसीलिए बौखलाहट टिम पेन की सामने आ रही है? देखिए रचना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है विराट का, और ऑस्ट्रेलियंस जानते हैं कि उनको अगर कंट्रोल किया गया तो वो भारत पे प्रेशर बना सकते हैं, और शायद उसी स्ट्रेटजी के तहत टिम पेन ऐसी बातें कर रहे हैं। और जैसा है, राजीव ने कहा कि वो मेकशिफ्ट एक कैप्टन है, बहुत सेटल कैप्टन भी नहीं है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी नहीं है उनके, तो उन्हें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए और एक मैच्योर कैप्टन की तरह कमेंट्स करने चाहिए दूसरे कैप्टन के लिए, भले वो दूसरा कैप्टन बड़ा प्लेयर है या नहीं है, अगर वो किसी दूसरे देश का कप्तान है तो मेरा मानना है कि आपको उसके लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और यही बात अगर जान लेते तो शायद बेहतर कद भी बना लेते और परफॉर्मेंस भी शायद बेहतर हो पाती, लेकिन फोकस नहीं है खेल पर और बाकी बयानबाजियों की तरफ उनका फोकस ज्यादा नजर आता है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि विराट कोहली पर कंगारू जिस तरीके से कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, आपने ये तो जान लिया कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने विराट कोहली के बारे में क्या क्या कहा, अब आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर विराट ने कंगारुओं को ऐसा कौन सा घाव दिया है जिसकी भरपाई वो कर नहीं पाए हैं, और इस बार मैदान पर लड़ने के बजाय पहले से ही जुबानी जंग भी शुरू कर चुके हैं।
टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतरीन है और यही डर ऑस्ट्रेलियन टीम को लगातार बना हुआ है। आप राजकुमार जी, चूंकि आप विराट कोहली के कोच भी हैं, क्या विराट से बात हुई है? टीम इंडिया की कैसी चल रही है तैयारी? देखिए रचना, वो क्वारंटीन में है लेकिन एक्टिव क्वारंटीन उन्होंने बताया है ये, जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, वो अपने रूम में रहते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि वो अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। वैसे सभी खिलाड़ी आईपीएल खेल के आए हैं तो अच्छी टच में है, लेकिन साथ साथ ये भी अच्छा हो रहा है कि वो वहां पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है उनसे वो एक्लेमेटाइज हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर विकेट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं और जो नए प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि बाउंस ज्यादा होता है। तो ये अच्छा प्रिपरेशन का टाइम मिल गया है भारतीय प्लेयर्स को और मुझे पूरी आशा है कि बेहतर प्रदर्शन रहेगा भारतीय टीम का। लेकिन अच्छा खासा जो वक्त है उसमें लगातार प्रैक्टिस होगी और टीम इंडिया जानती है कि कैसे जीत की तरफ आगे बढ़ना है, एकदम फोकस्ड रहना है, डिफोकस होना नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह, और ऑस्ट्रेलियन टीम इसका खमियाजा भुगतेगी भी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। विराट कोहली अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजीव जी, राजकुमार जी, रितिंदर सिंह सोढ़ी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।